हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन और ये है तारा मैसल। कैमरा छोड़ एक मिनट, पहले नाम पढ़ के बता यार क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन और ये है सितारा मैसलवाकिया रिजर्व। पता मुझे भी नहीं है कि नाम मैं अभी भी ठीक पढ़ रहा हूं या गलत पढ़ रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि ये विस्की है चेक रिपब्लिक से, तो वहाँ की लैंग्वेज में इसका नाम है सितारा मैसलवाकिया रिजर्व। हिस्ट्री की इसकी बात करें तो ये यूरोप की सबसे पुरानी डिस्टलरी से आती है। 1518 में द ग्रीन ट्री डिस्टलरी, वहाँ ये बननी स्टार्ट हुई। और जो ये ब्रांड है सितारा मैसलवाकिया, इसको ज़्यादातर जाना जाता है या यूरोप में इसको जाना जाता है सितारा जितना ओल्ड रे के नाम से। इस ब्रांड को बनाने वाले थे एक हंटर मिस्टर एकलमैन। जितनी विस्की हम नॉर्मली पीते हैं सारी माल्टेड बार्ले से बनती हैं, बट ये आती है रे से, राय, जिसको राय भी बोलते हैं, रे बोलते हैं। फिलहाल मुझे इनके दो एक्सप्रेशन देखने को मिले, दिस वन इज़ दी 4 ईयर वाला और दूसरा है 1 साल वाला। तो ये 4 साल वाले का ऐसा है कि इसको 3 साल के लिए पहले मैच्योर किया जाता है वाइट ओक में, अमेरिकन वाइट ओक में, और देन मैच्योर होने के बाद इसको ड्राई फ्रूट और बाकी के हर्ब्स ऐड करके इसको 1 साल के लिए फिर से वाइट ओक में मैच्योर किया जाता है। तो इस तरह ये आती है 4 साल की एज स्टेटमेंट के साथ। काफ़ी यूनिक सा लग रहा है कि ड्राई फ्रूट के साथ भी इसको मैच्योर करवाया जाता है और हर्ब्स इनरिच्ड है। वैसे ओरिजिनली मैं बताऊँ तो मैंने राई विस्की पहले कोई खास ट्राई की भी नहीं, अगर की भी होगी तो मुझे याद नहीं है फिलहाल, और याद भी हो तो उसको छोड़ो ना, इतनी सस्ती रेंज की मैंने कभी भी ट्राई की ही नहीं। तो आते हैं बॉटल पे, तो बॉटल आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी 700 ml बॉटल और ये आती है अल्कोहल बाय वॉल्यूम 40% के साथ। ये मैंने गुड़गांव से परचेज़ की थी, तो गुड़गांव में ये मुझे पड़ी है 1150 रुपये की। बाकी कहाँ कहाँ अभी ये मिलती है इसका मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप इनका इंस्टाग्राम जाके हैंडल चेक कर सकते हैं, उस पर इनको मैसेज करके पता किया जा सकता है। मैंने पूछा था तो मुझे गुड़गांव का पता लगा था, मैंने एक्चुअली उस टाइम मैं गुड़गांव में था तो मैंने पूछा था गुड़गांव में कहाँ से मिलेगी। सो डैट्स हाउ आई गॉट दिस विस्की। बॉटल काफ़ी बेसिक है, काफ़ी सिंपल है, कोई सिक्योरिटी कैप नहीं है, बट वैसे बॉटल अच्छी बनाई हुई है काफ़ी ना। जितनी भी इम्बोजिंग है ये लोगों की, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैक पे भी ना इसके लोगों की इम्बोजिंग है, मे बी आपको देख पा रहे हो, तो बड़ी ज़बरदस्त है। और फ्रंट में भी इनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, ANO देन P, और उसके बाद 1518 जब से बननी स्टार्ट हुई। बाकी ये कहते हैं कि 500 साल से ट्रेडिशनल तरीके से इसको वैसे ही मैच्योर करके बनाया जाता है जो स्टार्टिंग से चल रहा है आज तक। अब आया जाए अपने मेन काम पे। कलर इसमें एडिड है आई थिंक, या कलर इसमें एडिड है, बट होपफुली, या शुक्र है कि फ्लेवर कोई ऐड नहीं है इसमें, कलर एडिड है। काफ़ी लाइट बॉडीड लग रही है मुझे ये। एक हल्का हल्का बिल्कुल ही लाइट सी ग्रेनीनेस और वनीला के नोट्स आ रहे हैं। फिलहाल मुझे कोई स्मोक या ड्राई फ्रूट का फिलहाल तक को कोई अरोमा फील नहीं हुआ। वनीला वाओ, स्वीट साइड पे काफ़ी ज़्यादा है वनीला का, और हल्का हल्का जिस तरह खिले हुए फ्लावर्स की एक फ्रेग्रेंस आती है ना, कि जब ब्लूमिंग का पीरियड होता है उस तरह का रोमा है। हल्का हल्का वुडी सा टेक्सचर, बाकी अल्कोहल का पंच बिल्कुल जीरो है। 4 साल के लिए मैच्योर है, बट उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दिस विस्की इज रियली फुल ऑफ लाइफ और प्रॉपर मैच्योरेशन फील हो रही है, जिस तरह 10-12 साल की एज की गई विस्की में फील होता है ना। बहुत ही मीठी साइड पे, बड़ा मजा आया। एक्चुअल में बताऊं तो बस नोट से ही आए हैं कि नोजिंग पे वनीला और थोड़ा थोड़ा वुडीनेस है,
टेस्ट में हल्का फुल्का सा एक ब्लूम्स की फ्रेगनेंस, एक फूलों की खुशबू, थोड़ा वुडी साइड पे है, सीरल्स का हल्का हल्का टेक्सचर, काफ़ी मल्टी लेयर विस्की बोलूँगा मैं इसको, कि शायद मुझे लग रहा है कि मैं सिप सिप करता रहूँगा और नए नए नोट्स मुझे आते रहेंगे। पहली बात तो ये कि इस रेंज में राय विस्की सबसे बड़ी बात तो यही है, एंड सेकंड ओपिनियन वही हमेशा वाला हमारा कि अगर इस रेंज में मिलती है तो सीरियसली ये तो वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि अल्कोहल 40% है, बट उस हिसाब से काफ़ी लाइट लग रही है ये, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट जैसे 35-36% अल्कोहल होना, काफ़ी स्वीट है, तो डेफिनेटली इसको एक ट्राई दें। तो वीडियो को यहीं रैप अप किया जाएगा, इनका दूसरा एक्सप्रेशन जो है उसका भी जल्दी रिव्यू किया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू।